हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। सॉरी माय फ्रेंड्स, हम दरअसल वहाँ से भाग रहे थे, तभी हमारा किसी कारण से ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। और ये जो जानवर आपको देख रहे हैं ना, ये सामने जो टहल रहा है, बहुत खतरनाक है, ये एक बार में वो तुरंत मार डालेगा। जिस वजह से भाग रहे थे, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग खत्म बंद हो गई, और इसकी वजह से हम दोबारा बंद करके चालू नहीं कर पाए, क्योंकि वो तुरंत मार डालता। देखो इधर आ भी रहा है। और इससे बचने के लिए आए, और हमने अपने कपड़े पहन लिए। हम इसमें लेबल मिला था, लेबल 3 लेबल मिला था, और उस लेबल को हमने एक्टिवेट किया। आ रहा है शायद। भाग 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 भाग। देखा देखा इसकी आवाज़, इतनी खतरनाक आवाज़ पहले तो आ भी रहा होगा। ब्रोंटो से भिड़ा देते हैं। चल, तैरते हुए आ रहा होगा। भागने में ही भलाई है। दूर से जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी पानियों में कुछ न कुछ रहता ज़रूर है, भीड़ गया होगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। इतने गहरे पानी में उसकी हिम्मत तो नहीं होगी आने की। देखते हैं वो है कहाँ। देखते हैं वहीं है, कहीं और गया। अरे दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। और वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ आए। देखो इसी चक्कर में हमारा ड्रॉप भी चला गया। और वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमें ये गुफा मिल गई यहाँ पे। और जैसे गुफा में घुसे, जैसे इस गुफा में घुसे, हमारा एक लेवल बढ़ गया। मतलब कि कोई भी पहली बार जब गुफा को कोई पाता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। मतलब उसको एक तरह से जैसे कि वो बॉक्स खोलने पर इनग्राम मिलता है, उसी तरह से पहली बार किसी गुफा में घुसने पर भी इनग्राम मिलता है। इस वजह से मेरा इनग्राम मिला और मेरा लेवल 4 लेवल आया हुआ था। और 4 लेवल लगा लिया, हमने कपड़े भी पहन लिए। कपड़े भी पहनने से हमें लेवल मिलता है, और लेवल मिल गया, हमें 4 लेवल लगा लिया। अब हमारा लेवल कितना हो गया आपको दिखा दे रहे हैं। हमारा लेवल अब हो गया है 23। मतलब उधर 4 लेवल उससे मिला, और शायद हमारा लेवल कितना था, 19 था या फिर ऐसे कुछ था, ज़रूर 19 था। और 4 लेवल मिला जिससे 23 हो गया। और यहाँ का काम समाप्त हो गया। उस हम बॉक्स को ओपन करने आए थे, जो ट्रीज के पास एक था खंडर, उसमें था एक बॉक्स, उसको ओपन किया, लेवल मिला, फिर
फिर आकर के हमने कपड़े चेंज किया, इससे भी हमें लेवल मिला। गुफा में घुसे, उससे भी लेवल मिला। इस तरह से कुल मिला के इन तीनों काम हमें चार लेवल मिला। चार लेवल हमने एक्टिवेट कर लिया। अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। देखते चलते हो खतरनाक जानवर है कहाँ। यहाँ है देखो शैतान बेचारा। ब्रोंटो को मार तो नहीं दिया तुरंत, ये किसी को नहीं देखता है, तुरंत देखा जहाँ दौड़ा लिया। फिलहाल हमें चलते हैं, अभी इससे हमें कोई दुश्मनी नहीं लेनी है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। बाद में देखते हैं। इसके पास चले क्या, मारेगा? ए आ मार, अरे भाग ले, मार देगा तुरंत हमारी नाव सा टूट जाएगी। पर इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, चार पांच आदमी लेकर आऊंगा। देखो इससे पंगा लेगा तो बवाल हो जाएगा। ये नहीं मारता, दिखने में ही बड़बड़ा है, मारेगा नहीं। ये पक्षी देख रहे हैं ना, ये पानी में भी तैरता है, और कोई पक्षी पानी में नहीं तैरते। ये पानी में बैठता है, पानी में तैरता है, पानी से मछलियाँ खाता है। इसे भी टेम कर सकते हैं। अब यहाँ चल करके हम अपना लेबल लगा चुके हैं, और इस राफ्ट पे कुछ घर बनाना है जिस पे हम लोग चल रहे हैं। हम चल रहे हैं इस पे, राफ्ट पे घर बनाना है और इस आइलैंड पे सैर करनी है। फिलहाल आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इस आइलैंड पे हम अगले एपिसोड में चलेंगे। हमारा घर किधर है? यहाँ है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतनी स्पीड में रहोगे तो कहाँ से रुकोगी। और मोर्टार और पिस्टल भी हमने बना लिया है, और इसको हाथ में रखते हैं। अब आपसे अलविदा लेते हैं, अब अगले दिन चलेंगे हम। हमारा लक्ष्य है वो आइलैंड पे। आइलैंड से पहले हम राफ्ट पे घर बनाएंगे। घर बना ले कि नहीं, ताकि उसी पे सब कुछ सेट कर लें। हाँ पहले हम कल हम सोचते हैं कि राफ्ट पे घर बना लेते हैं, और राफ्ट पे यदि हम घर बनाएंगे तो हम उसमें कुछ बना सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे चलेंगे आइलैंड पे, और यहाँ से सारे घर को तोड़ते हुए हम वहाँ चलेंगे। वहाँ से कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ मिलेगा ले करके तब चलेंगे अपने दूसरी मंजिल की तरफ। उधर वो जो लाल तरह का लाल ये पिलर दिख रहा है ना, उस पिलर की साइड में चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। ये क्यों गुर्रा रहा है? अच्छा 28 लेवल है, 900 हेल्थ है। चल इसका परसूट आएगा तो इसे टेम कर लेंगे। ट्रेम ट्राइक का नाम का एक परसूट आता है, अभी तो फिलहाल नहीं है। हंड मेगा पिराना एक मछली का नाम है। ये साउथ आइलैंड, ये साउथ आइलैंड क्या है? परस्यूट साउथ आइलैंड, फाइंड द एंट्रेंस आर इन द केव इन द साउथ। अच्छा एक और केव है साउथ। साउथ कैसे पता चलेगा? मैप ओपन करते हैं। ये रहा ये नॉर्थ। नॉर्थ 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 अर्थात नॉर्थ है। अच्छा साउथ हमारे आगे है। देखिए क्या है, ये येरो जो है ब्लू वाला कलर हमारे तरफ दिखा रहा है, और ये जो बिना ब्लू का कलर है वो नॉर्थ की तरफ, अर्थात उधर साउथ है, ब्लू की तरफ नॉर्थ है, क्योंकि एरो हमेशा ये नॉर्थ की तरफ रहती है। ये देखिए घूम रही है, अब इधर नॉर्थ हो गया, मतलब इधर नॉर्थ है, पीछे साउथ है, तो हमें साउथ की तरफ अर्थात उधर पिलर की तरफ चलना होगा।
इधर की तरफ चलना होगा, उधर चलना होगा, साउथ की तरफ चलना होगा, और साउथ की तरफ चल के ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक मिनट, मैप पे लिखा तो रहा है इधर केव है। अरे इधर क्यों भाग रहा है? केव इधर है। हाँ तो उधर ही तो हम भी कर रहे हैं, देखिए उधर ही हमने मूव किया है। अब उधर चल करके देखेंगे इस केव की तरफ, लेकिन ये सभी मंजिल बहुत दूर है, ये भी मंजिल दूर है। पहले इस राफ्ट पे हमें बनाना होगा घर, घर बना करके चलना होगा उधर, और उधर उस आइलैंड पे चलने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। कुछ देखते हैं, अगर काम वाली चीज़ मिल जाती है तो ठीक है। अब हाँ, हमने उस गुफा से एक चीज़ और प्राप्त किया। देखिए ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल किस काम में आता है चलिए देख लेते हैं। शायद दूरबीन बनाने के काम आता है, दूरबीन। दूरबीन किधर है, किधर गई दूरबीन? अच्छा इसे नया क्राफ्ट करना पड़ेगा दूरबीन। देखिए कहाँ पे है, ये है स्पाई ग्लास, स्पाई ग्लास। अच्छा दूरबीन ने स्पाई ग्लास कहते हैं। चलिए इस दूरबीन को बनाएंगे, और ये स्टैंडिंग टॉर्च है, ये तो शायद मिल भी चुकी है। स्टैंडिंग टॉर्च कहीं मिल चुकी है, अगर कहीं से मिली होगी तो नहीं खोलेंगे इसे। शायद मिली होगी, शायद मिली है, शायद मिली है। ये क्या चालू हुआ है? अच्छा वो उसे बंद करते हैं। इधर के क्राफ्टिंग में स्टैंडिंग टॉर्च ये रही, तो उसमें 2 इनग्राम, इससे 79 है, इसे वेस्ट कर देंगे 2 इनग्राम। उसका क्या मतलब है? तो ये 2 इनग्राम से पहले ये खुला हुआ है, रैप्टर का सैडल खुला हुआ है। अरे बहुत, ये कौन सा है रैप्टर राइड इट आर्मर 41। अरे इतनी 328 हाइट चाहिए, और तो ठीक बवाल करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा? चलिए छोड़ते हैं। स्टैंडिंग टॉर्च हमने, हम चाहे तो बना सकते हैं स्टैंडिंग टॉर्च, बनाएंगे लगाएंगे अपने रैप्ट पे। और ये स्पाई ग्लास हमने ओपन कर लिया क्या? हाँ ओपन कर लिया। इसके लिए चाहिए क्रिस्टल, 2 ही क्रिस्टल चाहिए, 14 क्रिस्टल हमारे पास। चलिए अच्छा है, 10 हाइड फाइबर वुड, 10 हाइड, 10 हाइड फाइबर बूट। वेट तो हो गया, ये इसको बना लेते हैं। ये होता क्या है, दूर की चीज़ों को देखने में सहायता करता है, किसी की लेबल वगैरह देखनी पड़ गई तो करता है सहायता। इसको हम रख लेते हैं ऐसे ऐसे, इस हाइट को भी रख देते हैं। ये मीट, ये क्या है? अच्छा 6 स्पॉइल मीट। कहोगे कि इसको क्यों रखे हैं, फेंक नहीं दे रहे हैं? इसको फेंकना नहीं है, इससे कुछ उपयोगी चीज़ें बनेंगी। स्लीपिंग बैग इसे प्लेस करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हाइड का काम देगा। इसे तोड़ करके हम हाइड इकट्ठा कर लेंगे, मन गया हाइट हमारा, इसको रख लेते हैं। 20 हाइट आ गया तुरंत। फोर्टी सिक्स हाइट हो गया, चलिए ठीक है। इसको हम लगाते हैं यहाँ, कहाँ लगाएं? स्पाई ग्लास बो एंड एरो इधर करते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं, और इसको यहाँ लगाते हैं। फूड, अच्छा ये ख़त्म हो गया। अच्छा करते हैं हम इसको, कैसे करें कि हमारा फूड एक साथ हो जाए? ट्रांसफ़र 40, चलिए ठीक है। ट्रांसफ़र अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं यहीं पे, देखिए किस काम में आता है। ये क्या चीज़ें हैं, इनको सबको यहीं पे रखते हैं। झोपड़ी में पेड़ उगाता है, ये खतरनाक जानवर को हमने मारा था। 2 अंबर चाहिए, इसको लेवल 1 का है, रैप्टर 1।
किसी काम करें, लगा लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। इसको हम लगा लेते हैं, प्लेस करते हैं। कहाँ प्लेस कर दें, यहाँ पे जगह है क्या? हाँ है तो। हाँ इसको हम बनाते हैं कुछ, ये बन जाएगा इसी में, इसीलिए हमने इसे अनलॉक किया है। ये बनेगा तो क्या होगा पता चल जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए बनाने के लिए? इसके लिए चाहिए नार्कोबेरी और स्पॉइल्ड मीट, इसीलिए हम नार्कोबेरी इकट्ठा कर रहे थे। चलिए देखते हैं इसमें इसमें क्या क्या रखे हैं हमने। इसका लेवल आया, पहले लेवल बढ़ा देते हैं। लेवल हेल्थ ही चलते हैं। अब इसके बाद करते हैं, इसके स्पॉइल मीट लेते हैं, नार्कोबेरी 44 6 22, शायद नार्कोबेरी कम पड़ेगी। ठीक, कितना बनता है? 22 बन गया तो ठीक है। क्राफ्ट 8 ही बन रहा है। अब क्या करें? इकट्ठा कर लेते हैं, देखते हैं कितनी नार्को बेरीज मिलती है। हाँ तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने, ये क्यों बंद हो रहा है मेरे मुंह पे बंद रहा, बड़ी बेइज्जती। देखिए इसमें क्या है, हमने बनाना तो सीख लिया कि इसमें क्या होता है। ये स्टीम बेरी से कुछ और होता होगा, तो काली वाली बेरी से और स्पॉइल मीट से, इस सड़े हुए मांस से क्या बनता है? ये नार्कोटिक, नार्कोटिक जो जानते हो ना, एक जहर का नाम है, तो नार्कोटिक बनता है। जब नार्कोटिक बनता है तो इससे क्या होगा, जहरीली एरो बना सकते हैं, और जहरीली एरो बना करके जानवरों को बेहोश करके उन्हें टेम कर सकते हैं जल्दी, इसलिए ये बनाया जाता है। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, अब इसको हम बंद करते हैं। आपको बताना था, सिर्फ बता दिया। अब हम चलते हैं, इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। 12 अभी बची हुई है, लेकिन ये बेरीज कम है। चलिए तो एक किसी ऐसे डायनोज को टेम करें जो बेरीज इकट्ठा करने में तेज़ हो। अब ये बारिश भी आ गई, बारिश समाप्त हो जाओ यार, नहीं समाप्त होगा। चलिए इस बारिश को हम चालू रखने देते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये सब एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियोस आगे क्या होने वाला है वो देखेंगे। अब उस आइलैंड पे तो हम अभी फ़िलहाल नहीं गए, लेकिन इस राफ्ट पे हम एक बनाएंगे प्यारा सा घर। इस घर को बनाने के बाद हम वहाँ पे चलेंगे, इस घर को लेकर के, तब यहाँ के घर को हम तोड़ देंगे और हम चलेंगे वहाँ पे। तोड़ने का काम हो सकता है अगले एपिसोड में, तो यहाँ पे घर और तोड़ने का काम पहले हो जाए, उसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे एपिसोड चालू करके। या फिर हो सकता है कि हम पहले बना लें उसके बाद में एपिसोड चालू करें, ताकि उसको देखिए कुछ भी होता है आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। अब तब तो आप सबको विदा लेते हैं, धन्यवाद।